होना जरूरी है। सेकंड, मैंने बताया था कि ऐसे असंतृप्त सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी, हाँ हेलो हो गया भाई, अब कितनी बार हेलो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उनके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन अब बोलो आ रही है आवाज। सही है, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, उनके पास लोन पेयर नहीं है। उनके पास लोन पेयर नहीं है, परंतु उनके पास पाई बॉन्ड है, उसका वे दान कर सकते हैं। हाँ, फिर मैंने नेक्स्ट बताया था इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो युग में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकें, परंतु अष्टक नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें दो प्रकार का बताया था मैंने आपको, तीन टाइप के बताए थे। टाइप वन मैंने बताया था, जो न्यून होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यून इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे BS3 है, NO2 प्लस है, NO+ है, हेलोनियम आयन है इत्यादि। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कमी नहीं है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे टाइप टू में बताया था मैंने फर्स्ट, ऐसे कोई भी केंद्र जो हैलोजन से जुड़े हों, वे इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे केंद्र जो सन से जुड़े हों, SON, पाई बंद के द्वारा, वे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेंगे। CO2, SO2, SO3, COCl2 इत्यादि। फिर बताया था जिनके पास रिक्त DF कक्षक हो, रिक्त DF कक्षक वाले भी क्या हो सकते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे सभी संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक, या PCl3, PCl5, FeCl3, ये सभी, बोलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म आपको बताया था, आपको उभयदंतु नाभिक स्नेही, या फिर इसमें एक चीज और बताई थी आपको, एल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं। अतः इनके अभिक्रियाओं को हम केवल अम्लीय माध्यम में करा सकते हैं, क्षारीय माध्यम में नहीं करवाया जा सकता है। हाँ, सामान्य दशा में, वो तो वो कुछ भी ना मेंशन हो तो सामान्य दशा ही बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म बताया था मैंने आपको कि Na+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वो अक्रिय विन्यास को बनाए रखना चाहता है, और NH4+ तो हो नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि अष्टक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको उभयदंतु नाभिक स्नेही, मतलब ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए दो विभिन्न केंद्र हों, और इस प्रकार के नाभिक स्नेही जब अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, तो एक नहीं, दो दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। साइनाइड है और नाइट्राइट है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म बताया था मैंने आपको उभयधर्मी, एक मिनट, उभयधर्मी नेक्स्ट टर्म है। उभयधर्मी वो होते हैं जो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, और ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है। बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में जो पाई बंद है, उसका एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरण
यही क्या है बोलो, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। और यह एक परमानेंट प्रभाव है कि टेम्परेरी प्रभाव है? हाँ राहुल, टेम्परेरी प्रभाव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो बताया था मैंने आपको, एक ही था बस टर्म, इतना ही बताया था मुझे लग रहा, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता टर्म बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह क्षमता जिससे कि वह दिए हुए नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता समानुपाती दिए हुए इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जितना कम इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। यदि दान करने वाले कारक हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक हैं तो अफ्रेश दे दो, तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलो जी, ये बता दिया था, इतना ही हो गया था भाई। बोलो आप, जरा लिखे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मकों के साधारण अनुप्रयोग, और इसमें ए आप लिखेंगे, नहीं ए मतलब सॉरी, फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन वन, हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, ये एप्लीकेशन वन का हेडिंग लिख रहा हूँ, दिए हुए लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया में वक्रीय तीर के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को प्रदर्शित करना, तो लुईस अम्ल मतलब मैंने बता दिया था ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं बोलो भाई, सारे लुईस अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और सारे लुईस क्षार को क्या हम बोल सकते हैं, सारे बोलो नाभिक्स नहीं, ये ध्यान रहे। अच्छा चलिए एक बार अपने फाइल में देखिए, आज मैंने दो सुबह 5 बजे उठ के लिखा है, देखिए जरा 2 पेज भेजा है, देखिए आपके पास पहुँचा है कि नहीं। राहुल, अन्य राहुल को पूछ रहे हो, राहुल कहाँ है दोस्त? हाँ ठीक है, आप बेटा देखिए, राहुल बेटा आप देखिए जरा ध्यान से इधर, अब इसमें जैसे मान लो लिखा हुआ है ये
आर ओ आर, ठीक है ना राहुल, और यहाँ लिखा है बी एफ थ्री, और मैं कह रहा हूँ कि चलो बताओ इसमें लुईस अम्ल लुईस क्षार पहचान लो, मतलब नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहचान लो और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को प्रदर्शित करो। तो इसमें लुईस क्षार आपको या नाभिक से नहीं कौन सा लग रहा है बोलो, ईथर लोन पेयर है इसके पास, और बी एफ थ्री क्या लग रहा है भाई सारे लोग जरा बोलो, खुशी खुशी बी एफ थ्री में इलेक्ट्रॉन कम है कि ज़्यादा है? अरे बी एफ थ्री में देखो ना यार, बी एफ थ्री में ना कि बी एफ थ्री में छह ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो कम है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब ये हो गया आपका लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, और ये हो गया आपका लुईस क्षार। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कराओगे वो नाभिक से नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हमेशा दाता से ग्राही की तरफ, मतलब तीन ऐसे बनेगा भाई, जैसा कि मैंने बताया था तीर हमेशा किधर से किधर बनेगा, नाभिक से नहीं से ऐसा वक्री तीर बनाएंगे। और जब इसे आप ऐसा लिखोगे तो हितेश बोलो, इसे आप अगर सहसंयोजी के रूप में प्रदर्शित करूं तो ओ और बी एफ थ्री के बीच में बंद बना दिया, या तो तीर बना के कोई आवेश ना लिखूं, और या तो आवेश अगर लिखूं तो बोलो दान करने वाला उदासीन हो तो दान करने के बाद धनावेशित आ जाएगा, और अगर ग्रहण करने वाला उदासीन हो तो ग्रहण करने के बाद ऋणावेशित आ जाएगा। ये बना देखो, ठीक है बोलो तो हाँ या ना, ऐसा तीर प्रदर्शित करेंगे भाई, ठीक है ये बोलो तो क्या करूँ, वापिस वापिस बताऊँ क्या, ये वापिस मैं समझा नहीं, क्या वापिस बताऊँ मतलब इसमें क्या बताऊँ, मतलब क्यों इधर से इधर फ्लो हुआ ये बताऊँ, कि ये नाभिक से नहीं है ये नहीं समझ में आया, कि ये लुईस अम्ल है ये नहीं समझ में आया, कि ये प्लस है ये माइनस है, मतलब इसमें कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई वो बताओ, तो फिर मैं वो बताऊँ बात। हितेश अरे इसमें वो बात कौन सी है जो नहीं समझ में आई, जैसे मैंने कहा ये नाभिक से नहीं है तो बोलो क्यों नाभिक से नहीं है हितेश, हाँ ठीक है, और जो नाभिक से नहीं है वो लुईस क्षार होते हैं, बस यही लिखा मैंने, लुईस क्षार बोलूं या नाभिक से नहीं एक ही बात है, और ये बी एफ थ्री लुईस अम्ल है, क्यों लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होते हैं, हाँ बिल्कुल क्या बात है, छा गए, जय हो जय हो जय हो, एकदम बिल्कुल सही जवाब। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा बताओ, कोई भी चीज़ किधर से किधर बहती है, ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ बताओ, तो ये ज़्यादा है इसके पास कमी है, तो तीर किधर से किधर बनेगा, तीर हमेशा दाता से ग्राही की तरफ बनता है, और जब कभी भी उदासी, और ये तीर क्या है, इट तीर इज नथिंग, इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उप सहसंयोजी बंध, जब दो उदासीन के बीच में उप सहसंयोजी बंध बने तो या तो तीर बना के छोड़ दो, और या तो अगर उसे सहसंयोजी के रूप में प्रदर्शित करते हो तो दान करने वाला उदासीन है तो प्लस आ जाएगा, ग्रहण करने वाला उदासीन है तो ऋण आ जाएगा, मतलब अगर कोई भी चीज़ ऐसी है ए उपसंयोजी बी, या तो इसे ऐसे रहने दो, और या अगर तुम इसे सहसंयोजी के रूप में लिखना चाहते हो तो ए पे प्लस आ जाएगा बी पे माइनस आ जाएगा, ऐसा कह रहा हूँ, अब बताओ समझे कि नहीं, चलो वेरी गुड, चलो कम से कम जवाब तो दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड,
अब ये नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाऊं जिससे कि मुझे जगह मिले लिखने के लिए। और अब जरा देखना भाई, अब मान लो दिया हुआ है यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके H प्लस। या ये है आपका से NH3, और ये गिवन है आपका BF3। हाँ चल बोलो। हाँ दुष्टुज बोलेगा। हाँ चलिए बोले, इसमें घास कहाँ लग रहा, इसमें नाभिक नहीं, केंद्र कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे कौन है? H प्लस। तो चलो अब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं भाई, सारे बोलेंगे तीर किधर से किधर बनाऊं। हाँ तो मैं कर रहा हूँ अटैक, और अब इसे मैं जब लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा ओ थे आर। अब दाता क्योंकि प्लस था तो सॉरी उदासीन था तो प्लस आ जाएगा, ग्राही क्योंकि प्लस था तो उदासीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो RNH2 ZnCl2 अटैक, और ये देखो ये नाभिक नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये हो गया आपका RNH2 ZnCl2। अब बोलो कहाँ पे प्लस कहाँ पे क्या होगा हितेश, बोलो। नाइट्रोजन पे प्लस और ZnCl2 पे राहुल माइनस, क्योंकि उदासीन था ना ये। तो ये तो बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है। तो ये जान जाओगे ना आप, बोलो। तो इसमें अब मैं अब इसमें और बताऊं या फिर मैं इसमें प्रश्न पूछूं जरा, ऐसे तीर बनाना रहेगा आपको। और मान लो दोनों नाभिक नहीं हो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, तो लुईस अम्लक्षार अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? हाँ नहीं होगी। हाँ महेंद्र की तबीयत फिर खराब है क्या? अरे भी क्या होगा? अरे मतलब पता नहीं क्या, मतलब तुम दोस्तों से बात करोगे तो फिर पूछोगे नहीं कि क्या हुआ, क्या हो तुम्हें, कैसी दिक्कत है? ओ तो डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा ले रहा? हाँ इसमें मौसम चेंज हो रहा है ना, अब तुरंत ध्यान रखना पड़ेगा। गुनगुना पानी हमेशा पीना है, ठंडा पानी पीना ही नहीं है तो दांत तोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं ग्रीन टी हमेशा पी रहा हूँ, क्योंकि गला मेरा तुरंत क्या हो रहा है ना, हाल वो हो जा रहा है। मेरे गले में तो सर्जरी भी हुई है तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सर्जरी हुई इतने पहले, माई को एक नहीं था ना बोलने के लिए, तो बड़ी क्लास में खूब ज़्यादा चिल्ला चिल्ला बोलते थे ऐसे, तो गले में नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो गया पूरा ऐसे। नोड्यूल्स फॉर्मेशन बायो वाले पता नहीं जानते होंगे, तो अंदर मतलब एक ऐसे बनने लगा। फिर पहले तो लगा कि कैंसर वैंसर ना हो गया, फिर उसके बाद जाके अहमदाबाद चेक कराया तो फिर सर्जरी हुआ, फिर आवाज़ सही हुई, फिर तब से गया नहीं चेक कराने, फिर जाना है एक बार वापस। ये देखो नोट कर लिया सबने, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मिटा दूँ? हैं क्लियर दिख नहीं रहा क्या भाई, बोलो तुम लोग। अच्छा
तो फिर बेटा इसमें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो, तुम देखो कैसे कौन सा है। और फिर और क्यों, तो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम डाउनलोड नहीं की है वो क्या खुशी? तो उस पे, हाँ तो उस पे वीडियो सारा नहीं मिलता है तुम्हें? हाँ, और उस पे वीडियो अब छोटा वाला नहीं, अब वीडियो फुल वाला आ गया है। अब ये छोटा वीडियो नहीं, तुम डिमांड करो, बस बोल देना कि फुल वीडियो चाहिए, तो पूरा वीडियो मिल जाएगा। वो अलग से इसमें डाउनलोड होता रहा, मतलब अलग से हो रहा है, इसलिए वो किया मैंने कई बच्चों को। हाँ तो ठीक है, कोई बात, थोड़ा सा ध्यान दो, आज बड़ा लिखूंगा मैं, कोशिश करूंगा। आप लिखिए क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को वक्री तीर के द्वारा प्रदर्शित करें। निम्न अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को वक्रीय तीर के द्वारा प्रदर्शित करें। वक्रीय तीर के द्वारा प्रदर्शित करें।
एक दुष्ट और कौन एब्सेंट है? है महिपाल कहाँ है? अच्छा फोन किया था कि वही क्या? विक्रम ये बताओ साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई नाइन में कितने पाई बंद? क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वलय को सक्रिय बनाते हैं कि निष्क्रिय बनाते हैं? लेकिन ये आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों को मेटा पे निर्देशित करते हैं कि ऑर्थो पैरा पे निर्देशित करते हैं? इनका कौन सा प्रभाव अधिक होता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। राहुल ओएच और ओआर में किसका प्लस आर ज्यादा? राहुल ओएच और ओआर में किसका प्लस आर ज्यादा? और अजली माध्यम हो तो OH बंद और OC बंद किसका विषम विखंडन आसान है? OH का। ऋणावेशित समूह और उदासीन समूह, ये क्वेश्चन भी लिखते रहना भाई, मैं तो बोलता रहूंगा क्योंकि तुम लोग ने तो बात करी। हाँ सॉल्व कर लिया सबने, तीर बना दिया? चलो वेरी गुड। इसमें आपने ये रखा नाभिक स्नेही जी, ये है और अटैक, ये नाभिक स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इसे लुईस चार, इसे लुईस अम्ल कहोगे, ठीक है ना? तो क्या आप लोगों ने ऐसा बनाया है कि नहीं, पहले देख के बताइए मुझे। खुशी इसमें क्या ऐसा? बी एफ थ्री पे माइनस रहेगा दोस्त, टॉप में सोचो क्या रहेगा, माइनस रहेगा ना बेटा। और ये एच, क्या आपने ऐसा लिखा है? इसमें आपने क्या ऐसा लिखा है? बताइए बताइए। इसमें क्या आपने ऐसा लिखा है? देखिए जरा, इसमें क्या आपने ऐसा लिखा है? देखिए राहुल देख लो, ऐसे लिखा है ना? ओहो क्या बात है, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मैं स्टूडेंट की अपने नकल कर रहा हूं। ये देखो दुष्ट, क्या मैंने ऐसे ऐसा कॉपी किया है, तुम लोगों का सही किया है कि गलत किया है? देखो जल्दी से, सही है। चलो अब इसमें बोलो, इनके पास लोन पेयर नहीं होता है लेकिन इनके पास पाई होता है, तो ये नाभिक्स नहीं या लुईस शारी ने भी कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब जब पाई शिफ्ट होगा इधर, तो ये पाई शिफ्ट होगा पूरा, तो अब समझना पड़ेगा आपको कि पाई जब पूरा शिफ्ट होगा तो ये बी एफ थ्री पे तो माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
क्योंकि ये पाई बंद, ये पाई बंद पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। अब तो क्या किसी ने ऐसा और इसमें देखो आपने, ये है नाभिक नहीं, ये है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब ये है लुइस बेस, ये है लुइस एसिड। अब किसी भी पाई से अटैक करा दो, सारे पाई बराबर ही है। इसमें भी क्या आपको लगता है कि जहाँ पे जोड़ोगे उसके बगल में प्लस आएगा, एरोमेटिकता नष्ट हो जाएगी, वो बाद में बताएंगे। अब इसके आगे क्या होगा ये थोड़ा ना बताया, मैंने तो बोला कि अगर लुइस अम्ल छाड़ दिए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होगा, बस क्या प्रोडक्ट फाइनल बनेगा इसकी बात नहीं हो रही अभी, इलेक्ट्रॉन आप कैसे शिफ्ट करोगे इसकी बात बस हो रही है। बोलो समझ रहे हो क्या? हाँ कि है ना, बोलो सब लोग। और इसमें ये ना आपका नाभिक नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये सरिता बोलो एक भी सॉल्व मतलब किया है कि नहीं बोलो। yes, सही है ना कि गलत? प्लस और ये माइनस। ऐसे जो डी कक्षक रखते हैं, बोलो फास्फोरस डी कक्षक रखता है कि नहीं? yes, sir. तो ये ना आपका नाभिक नहीं, और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं और अटैक, और ये बन जाएगा आपका आर ओ एच और पी सी एल थ्री, ओ पे प्लस पी सी एल थ्री पे माइनस। ये है आपका लुइस चार, दैट इज नाभिक नहीं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक। अब ये तो इसी में जुड़ जाएगा, ओवरऑल कैसा आ जाएगा बोलो, बी एच फोर माइनस, और आई माइनस और आई टू, इसमें आई माइनस लुइस बेस है दैट इज नाभिक नहीं, और ये है लुइस एसिड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये बन जाएगा आई थ्री माइनस। तभी तो कपड़े पे अगर स्याही गिर जाए तो उसको कितना भी साबुन से धुलो धुलेगा नहीं, लेकिन उस साबुन में, उस पानी में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड मिला दो, नहीं सॉरी ये पोटेशियम आयोडाइड मिला दो, पोटेशियम आयोडाइड मिला दोगे तो फिर बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्याही में होता I2 और I2 पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जब उसमें आप KI डाल देते हो तो वो क्या बना देता, I3 माइनस अब आयनिक हो गया, वो जल में घुल जाता है, तो सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा बोलो, चम चम साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं समझे, यानी मैं कहूँगा आई टू जल में नहीं घुलता लेकिन आयोडाइड युक्त जल में घुल जाता है, तो आयोडाइड युक्त जल में क्यों घुलता है, क्योंकि I3 माइनस बन जाएगा ये। बोलो ठीक है, क्या आपने ये सब बनाए हैं कि नहीं बनाए बताइए पहले तो। पक्का ना? हाँ तो ये जान जाओगे आप। चलो जी, अब बेटा इसमें नेक्स्ट एक टर्म बताऊं जो आपका, अगर मान लीजिए दोनों ऐसा लिखा होता, मान लो ये लिखूं कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ईथर, बोलो कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नाभिक नहीं, ये भी क्या है बोलो, नाभिक नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। बोलो ठीक है ना? तो आप ऐसा लिख दोगे कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया FeCl2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने ZnCl2, बोलो कोई रिएक्शन होगा क्या? बोलो नो रिएक्शन, दोनों लुइस हो तो ऐसा भी दोनों लिख दीजिए, ये दोनों अलग से लिख दीजिए। क्या मालक? कल शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली ये खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा, बीच में छोड़ के तो नहीं कर सकते ना। तब तुम क्यों पूछते हो, सिलेबस सीक्वेंस दे दिया, तुम पूछोगे कैसे? ये खत्म होगा तो वो शुरू होगा।
अब ये खत्म होगा, इस पे स्किप तो कर नहीं सकता, जितना बताना होता बताना ही पड़ेगा। ये नोट कर लिया कि नहीं बोलो सबने? ओके जी। अब लिखिए एप्लीकेशन टू। एप्लीकेशन टू में लिखें हैलोजन वाहक तथा इसका कार्य। हैलोजन वाहक तथा इसका कार्य, कार्य मतलब इसकी भूमिका। हैलोजन वाहक तथा इसका इसकी भूमिका। एप्लीकेशन टू, इसमें आपने लिखा हैलोजन वाहक तथा इसकी भूमिका तथा इसका कार्य। तो हैलोजन वाहक का कार्य क्या होता है? तो हैलोजन वाहक मतलब हैलोजन कैरियर बोलते हैं इसको, हैलोजन कैरियर एंड इट्स रोल, ये है ठीक है ना। तो बच्चों आप ऐसा लिखिए हैलोजन वाहक निर्जलीय लुईस अम्ल होते हैं। हैलोजन वाहक निर्जलीय लुईस अम्ल होते हैं। हैलोजन वाहक निर्जलीय लुईस अम्ल होते हैं। आप कुछ बताओ, तुम ध्यान सोच के बताओ क्या बोला था। हाँ निर्जली, आगे आगे, निर्जली लुईस अम्ल होते हैं। निर्जली लुईस अम्ल होते हैं। हैलोजन वाहक निर्जली लुईस अम्ल होते हैं। ये हैलोजन युक्त यौगिकों से ये हैलोजन युक्त यौगिकों से अथवा हैलोजन मतलब H2 नहीं बोल रहा हूँ, X2 क्लोरीन ब्लोरीन ऐसा। ये हैलोजन युक्त यौगिकों से अथवा हैलोजन से हैलाइड आयन ग्रहण करके, हैलाइड आयन मतलब ब्रैकेट में X- लिख देना। ये हैलोजन युक्त यौगिकों अथवा हैलोजन से हैलाइड आयन ग्रहण करके वापस नहीं बोलूंगा, बोलो कहां से तुम छोटे, पहले ही बताओ, वापस पढ़ो। हैलोजन वाहक निर्जलीय लुईस अम्ल होते हैं। ये हैलोजन युक्त यौगिकों से अथवा हैलोजन युक्त यौगिकों से अथवा हैलोजन से हैलाइड आयन, यहां लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, हैलाइड आयन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं उत्पन्न करते हैं। हैलाइड आयन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं उत्पन्न करते हैं। क्या लिखा बोलो? हैलाइड आयन ग्रहण करके क्या उत्पन्न करते हैं? हाँ, यानी मैं कहूंगा इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उत्पन्न करना। इनका काम क्या है बोलो भाई, बोलिए इनकी भूमिका क्या है बोलो, किसी अभिक्रिया में इनकी भूमिका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उत्पन्न करेंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनोगे, फिर मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है एल्काइल क्लोराइड और यहाँ पे मैंने हैलोजन वाहक क्या होते हैं, निर्जली लुईस अम्ल। तो इसके उदाहरण आप जो हैलोजन वाहक के उदाहरण पर लिख दीजिए, FeCl2 हो सकता है, पहले लिख दो उदाहरण के लिए, लिख दो हैलोजन वाहक के उदाहरण FeCl2, FeCl3, Ag+, PCl3, PCl5, ZnCl2, SbCl3,
SbCl5 Fe, ये सभी किसके उदाहरण होंगे भाई? जितने भी निर्जली लोहिश अम्ल होंगे वो सब किसके उदाहरण है बोलो? सभी हैलोजन वाहक के उदाहरण हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. किसी के पास कमी है और किसी के पास रिक्त डी कक्षक है, दोनों ही स्थितियों में ग्रहण कर सकते हैं, है ना? तो ये सब निर्जली क्यों होना चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। देखिए पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से। हेलो बच्चों, हेलो। ज़्यादातर जो एनसीईआरटी में यूज किया गया है वो AlCl3, इसलिए मैं AlCl3 लिख रहा हूँ। वैसे FeCl2 FeCl3 कुछ भी हो सकता है। देखिए जरा बच्चों, एल्काइल हैलाइड को जनरली लुइसर नहीं बोला जाता है, लेकिन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर है, तो मैं इसे कहूँगा ये है लुइस 4। बोलो हाँ। और AlCl3 जिसके पास कमी है ये लुइस अम्ल। हाँ, आप ध्यान से सुनो। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित करूं? पहले ये मिटा दो ना। हेलो FeCl2, ये मिटा दो ना पहले। ये तो ये अगर नहीं मिटाऊंगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख लेना, जितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो ना लुइस अम्ल है। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होगा? लुइस चार्ज से लुइस अम्ल की तरफ। और ये ऐसा बनेगा RCl और AlCl3, Cl पे प्लस Al पे माइनस। बोलो, किसी को डाउट हो तो बता सकता है। हितेश क्या डाउट है? खुशी, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा कि R और Cl प्लस, मतलब कार्बन और Cl प्लस के बीच का बंध किधर शिफ्ट होना चाहिए? R की तरफ कि Cl प्लस की तरफ? तो Cl प्लस की तरफ ये बंध शिफ्ट कर दिया। और ये शिफ्ट करूंगा तो अब R पे कैसा चार्ज आएगा बोलो भाई? हाँ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पूरा क्या बन जाएगा? AlCl4-। तो देखो ये R प्लस क्या है भाई, सारे बोलना जरा। ये R प्लस क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? तो AlCl3 ने क्या किया देखो, और किसको ये ढो रहा है? AlCl3 को हैलोजन वाहक कह रहे हो ना दोस्त, तो वाहक तो किसी को ढोता है ना। किसको ढो रहा है? किसको ढो रहा है? हाँ, हैलोजन मतलब हैलाइट को ढो रहा है कि हैलाइट को, क्योंकि ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ये हैलोजन किसकी तरह निकल रहा है? Cl माइनस की तरह कि Cl प्लस की तरह? Cl माइनस, कोई प्लस नहीं बोलेगा। ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है, साथ में किसका जा रहा है? R का भी इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, कार्बन का भी। तो ये तो इसे जब आपको जब हैलोनियम आयन बनाना होगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो ऐसे नहीं लिखोगे आप, तो ऐसा लिखोगे देखो ध्यान से एकदम सुनेंगे। हेलो हेलो, देखो क्या करना है। AlCl3 डायरेक्ट, देखो सब लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे। हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो देखो AlCl3 आया, क्या लेके गया यहां से? Cl माइनस ले गया, Br माइनस, I माइनस जो भी होता, और क्या बना देता बोलो? R प्लस बना देगा। यानी सिंपल हम ऐसा बोले। फिर एक उदाहरण और देखो, पहले देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है Cl2 और यहां लिख दिया मैंने Fe लिखा, सिर्फ Fe लिखा हुआ है। तो बोलो हैलोजन कैरियर आएंगे, मतलब हैलोजन कैरियर आएंगे, हैलाइट लेके जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। ये देख लो आया यहां से, क्या ले गया बोलो? Cl2 है तो Cl माइनस ले जाएगा, RCl है तो Cl माइनस ले जाएगा।
बोलो आर बी आर होता तो बी आर माइनस ले जाता। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि नहीं जी आर सी एल फिर ही। हेलो बोलो कोई डाउट है? क्या ए मतलब हेलोजन वाहक आ करके ये सीएल को ले जा रहा है, सीएल को कैसे ले जा रहा है बोलो? सीएल को सीएल माइनस की तरह ले जा रहा है कि सीएल प्लस की तरह ले जा रहा है? माइनस की तरह। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ और क्या, उर्दू बोल रहा हूँ दोस्त, तो यही तो बोल। अब पूछ क्या रहा हो फिर? एल सी एल थ्री आ के सी एल माइनस ले जाएगा, सी एल माइनस ले जाएगा तो आर पे कैसा आवेश आएगा? हाँ तो ये आर पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। अब अगर सी एल टू लिखा हुआ है तो सी एल माइनस ले जाएगा, बी आर टू लिखा है तो बी आर माइनस ले जाएगा, आई टू लिखा है तो आई माइनस ले जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने से आर बी आर लिख दिया, चलो अब बोलो एफ ई बी आर टू आ गया, क्या करे? या एफ ई सी एल टू ही लिख दो, एफ ई सी एल टू आ गया, बोलो क्या ले जाए? क्या क्या बार बार नहीं, बार बार मैं ये तीर बना के, बार बार ये तीर बना के फिर ऐसा पूरा पंचायती करूंगा क्या बार बार? सीधा लिखेंगे तो आप क्या करोगे? हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो एफ ई सी एल टू और ये बी आर और ये माइनस। बोलो भाई राहुल। अरे मतलब कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं हैलोजन वाहक हूं मतलब मैं जा करके क्या लेके आऊंगा हितेश कहीं से? हैलाइड आयन लेके आऊंगा। तो मतलब तुम हमेशा याद रखोगे, देखो ऐसा हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। बोलो मेरे साथ, हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो आगे कोई भी रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट ये वो पढ़ेंगे। तो हैलोजन वाहक, अब इसमें निर्जली क्यों बोला राहुल? निर्जली क्यों बोला? मान लो अगर निर्जली ना होता पानी, मान लो वाटर होता, वाटर इज देयर, तो तुम मुझे बताओ कि ये H2O खुद क्या है बोलो? लुईस शार है कि नहीं बोलो? तो ये H2, हितेश अब बाद में मत पूछना, ध्यान से देख लेना एकदम। अगर जल की उपस्थिति हुई तो ये हैलोजन वाहक अपना कर्तव्य निभा नहीं पाएगा, मतलब अपनी भूमिका जो ये अदा कर रहा था वो भूमिका अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण कर लेगा? H2O से। और जब ये H2O से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो हितेश बताओ मुझे क्या ये हैलाइड आयन ग्रहण कर सकता है? नहीं सर। अरे यस यस, क्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि इसके पास जो कमी थी, अब इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया। अब क्या मैं बोलूं कि जलयोजित जलयोजित हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, ऐसा होगा क्या? अब इनके पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुके, अब इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए जलयोजित नहीं होना चाहिए, निर्जली होना चाहिए। बोलो ठीक है? हाँ ये नोट करे थे। एक एग्जांपल और बताऊं फिर मैं आपको क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। नोट कर लिया तो राहुल बताओ अति संघमित संरचनाओं की संख्या क्या बात है? अति संयुग्मित संरचनाओं की संख्या केवल उन्हीं अति संयुग्मित संरचनाओं की संख्या जिनमें सी एच हाइड्रोजनीकरण उष्मा और स्थायित्व में क्या संबंध है? अरे हारमोनियम कौन बजा रहा था?
अनुनाद ऊर्जा किसके किसके बीच का अंतर है? हाँ, अनुनाद संकर तथा सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा नोट कर लिया? यस सर। हितेश नोट कर लिया? यस सर। तो दुष्ट बोलो ना, तुम्हारा ही तो वेट कर रहे थे। हाँ, अब नोट कर लिया। तो फिर अब यहाँ पे एक एक और मैं आपको उदाहरण बताऊँ। अब मान लो किसी में एक ही हैलोजन दिया हो, है ना, और किसी में दो दो हैलोजन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, देखिए Cl या ब्रोमीन लिख दिया चलो, और एक लिखा मैंने CH2Cl, और मैंने एक तुल्यांक मतलब एक मोल क्या किया बोलो AlCl3 भेजा। तो अब ये क्या करें, ब्रोमीन को ले जाएं, बड़ा बंद है यहाँ पे, आंशिक द्विबंध है वो दुष्टु, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, अनुनाद है, अनुनाद होगा तो आंशिक द्विबंध हो जाएगा, खुशी आंशिक द्विबंध हो जाएगा तो क्या बंध टूट जाएगा जल्दी? नहीं टूटेगा। तो फिर AlCl3 आएगा, Cl माइनस ले जाएगा, और फिर आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या कार्बोकेटाइन बनाओगे वो ऐसा कुछ होगा, और ये ब्रोमीन, और फिर यहाँ पे अच्छे से लिख देना AlCl4-। ये देखो पाजी दसो, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, Cl, और एक लिखा ऐसा OCl, और मैंने यहाँ लिख दिया एक मोल FeCl2। अब बताओ, अब मैं दुष्ट, दोनों Cl में सिंगल बॉन्ड है ना, आंशिक द्विबंध तोड़ने कहीं, तुम देखोगे ना किस Cl को हटाने से ज्यादा स्थाई बनेगा, किस Cl को हटाने से ज्यादा स्थाई बनेगा। हाँ हाँ, वही बात है। तो ये Cl माइनस हटेगा, और फिर यहां पे देखोगे आप क्या बन जाएगा बोलो, ये O और ये प्लस। क्या बात है राहुल, क्या बात है? हाँ, पी पाई। तो ये देखो ऐसा, तो बच्चों इस तरह की बात है। अब बताओ मैं क्या प्रश्न अब पूछूं आपसे, फटाफट बोलते जाइए। तो प्रश्न पूछना स्टार्ट करता हूँ, ये दोनों नोट कर लेता। हितेश बोलो, समझे कि नहीं? नहीं सर। नहीं, अरे बोलो ना, कौन सा नहीं समझे? पहला वाला कि दूसरा वाला कि दोनों, और क्या नहीं समझे बताओ मुझे। अरे मतलब बोलोगे तभी ना बताऊंगा, बता मतलब हैलोजन वहां आ करके क्या ले जाता है, हैलाइड लेके जाता है। अब हैलोजन वहां का है तो इसको दो दो दिख रहा है, तो अब क्या करे, ये किसे ले जाए, जो आसानी से टूट जाए या फिर मुश्किल से टूटे उसे ले जाए। तो मुझे बताओ कौन आसानी से टूटेगा, एकल बंध वाला टूटेगा कि आंशिक द्विबंध? अब पहले तो ये बताओ यहाँ पे आंशिक द्विबंध है ये तुम जानते हो कि नहीं, पहले तो अनुनाद बताओ, क्योंकि तुमने गोला बहुत मारा हुआ है, और कल तुमने फिजिक्स के लिए फोन किया था और तुम बाइक पे बैठ के इधर उधर जा रहे थे। मुझे ये बताओ कि तुम क्लास मिस करते हो, फिर बाद में समझ में नहीं आता तो तुम बोलते रहते हो, मुझे तुम इतना बताओ कल कहाँ जा रहे थे तुम, मुझे बताओ। गांव में तो नहीं थे तुम बाहर कहीं निकल रहे थे, कस्बे की तरफ जा रहे थे। मैं अपने गांव से मेरे घर की तरफ आ रहा था। तो आ रहे थे उस समय क्लास हो रही थी, एकदम टाइम हो रहा था, क्लास की टाइम हो रही थी,
और तुम उस समय फोन करके 5 मिनट पहले बोल रहा हूँ कि सर आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोल बोले थे कि नहीं बोलो? तो क्यों, तुम्हें पता नहीं था क्लास है तुम्हें फिजिक्स की? इसका मतलब तुम लापरवाही कर रहे हो? नहीं, ये एकदम गलत बात। जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने में जुनून नहीं होगा बेटा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सुनो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को, एक मिनट के लिए बेटा बोल लूँ जरा, जरूरी है वो, ज़्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो मैं कराऊंगा, ऐसा सॉल्व होना ही होना है। मैं कह रहा हूँ जब तक आप अपने किसी चीज़ को पाने के लिए खुद अंदर से नहीं डिसाइड करोगे, तो आपको पूरी दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रबंध नहीं करेगी। आपको खुद कोशिश करना होगा, खुद लगना होगा, तो बाकी लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, आपको और सहारा देते जाएंगे। लेकिन आप खुद बैठे रहोगे और सोचोगे कि लापरवाही करूं, तो कोई भी साथ नहीं दे पाएगा, कोई नहीं साथ देगा। 4 बार और आपको समझाएंगे, फिर सोचेंगे छोड़ो, जाने दो यार, जो करना है करें। इसलिए आपको सिंसियर तो होना ही पड़ेगा। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना है कि करना नहीं है, खत्म बात। क्लास के पहले आप फोन करते हो कि हाँ सर क्लास नहीं हो पाएगी, अरे कौन सी काम पड़ गई थी? बीमार था, पापा को लेके गए थे डॉक्टर के पास, कि क्या मतलब किस तरह की प्रॉब्लम थी? क्लास में बोला कि क्लास अटेंड करना शुरुआत में जरूरी है। जब 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है बोलो, थोड़ा सा वैसे रहता है 2-3 क्लास के बाद कि हाँ चलो आ गया, कोई जरूरी काम है तो उसमें तो जाना पड़ेगा। तो सभी लोग ये ध्यान रखें कि जुनून में रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वैसे आपको कुछ लक्ष्य नहीं मिलना, जुनून से पढ़ना पड़ेगा आपको। और जुनून 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 कहने से आता होता नहीं है, वो अंदर से ही मतलब होगा, मतलब कि मुझे करना है। मैं सोचो कि मैं ऐसा हो जाऊंगा सेलेक्ट, तो मम्मी को कितनी खुशी होगी, भैया को कितनी खुशी होगी, पापा को कितनी खुशी होगी, समाज में कितना नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपने मन का करना, म्यूजिक में जाना, डांस में जाना, एक्टिंग में जाना, जहाँ मर्जी साइंटिस्ट बनना, इसरो चले जाना, नासा चले जाना, जहाँ मर्जी जाना। लेकिन तुम एक बार सोचोगे तो कि हाँ मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो कितना अच्छा लगेगा मम्मी पापा को, लगेगा कितना उन लोगों को खुशी हो जाएगी। कोई ना कोई तो एक मन में सोचना पड़ेगा, तो वही तो ड्राइविंग फोर्स होगा। अरे भाई बोलो, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही? हितेश, खुशी, रवि, राहुल, सलोनी, समुद्र, सरिता, विक्रम, कुछ समझ में आ रही बात क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं तो ऐसे पढ़ रहे हैं, पूरा कर लिया, मन किया, नहीं पढ़ा, पढ़ किया, हाँ क्या हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसा तो ना हो पाता है। आपको अपने एकदम सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा करूँ कि जिससे कि माँ बाप को, या आप जिसे भी, माँ बाप की सबसे जरूरत माँ बाप के लिए ही करना पहले, तो उनको कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा। और दुनिया वाले तो दुष्ट हैं, वो जानते हो, जब तुम सफल होगे तो 4 बैंड बाजा बारात लेके आ जाएंगे सब, वो तो जानते हो कि नहीं तुम लोग? वो तो सफल हो जाओगे तो बैंड बाजा बारात लेके आ जाएंगे, और जब नहीं सफल होगे ना बोलो तो फिर तो बस पूछो मत, वो जीने नहीं देंगे। समझ लेना ही बात है एक बात। इसलिए जो भी करना है तुम्हें अपने खुशी के लिए करना, और खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए क्या करना है, मतलब अपने लक्ष्य के लिए, जिससे कि तुम एक लेवल मिल जाएगा, तो फिर अपने मन का काम करना, साइंटिस्ट बनना चाहे जो मर्जी। अभी तुम बोलोगे मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो कहेंगे हैं 12वीं पास नहीं हुए साइंटिस्ट बनेगा, ऐसे एक थप्पड़ कोई मार देगा। अब वही तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अब फिर कहोगे अब साइंटिस्ट बनूंगा, चाहे पॉलिटिशियन बनूंगा, चाहे एक्टर बनूंगा, तब कोई नहीं मना करेगा, कहेगा हाँ भाई तुम बन सकते हो, मेहनत करते हो। समझ गए कि नहीं दोस्त? हाँ अरे वो छोड़ो, अपने मैं नहीं बोलूंगा, अपने मन से लिखो। एक मोल नहीं, वो 2 मोल रहेगा तो भी, 4 मोल रहेगा तो भी यही होगा, यहाँ पे यही चीज होगी। नहीं यहाँ पे AlCl3 मुझे वो तुम सोचो ना कि यहाँ पे 1 मोल लिखने का मकसद क्यों नहीं है मेरा। यहाँ पे तुम ज्यादा लिखोगे तो भी एक Cl ही टूटेगा, दूसरा Cl टूट ही नहीं सकता है।
हैलाइड आयन अगर कई हैं तो जो लुईस अम्ल हैं हैलोजन वाहक, वो आ करके उस हैलाइड को ले जाएंगे, एक तो जो आसानी से टूट जाए, और दूसरा टूटने के बाद जो बनता है वो क्या बनना चाहिए बोलो, स्थाई बनना चाहिए। बस इसमें इतनी सी बात है, हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, और अगर दो दो हैलोजन हैं तो उस हैलोजन को ले जाएंगे कि बनने वाला जो भी हो कार्बोकेटाइन या जो बन रहा हो वो स्थाई बनेगा, वो स्थाई बने, इस तरह से ले जाएंगे। या फिर कहीं आंशिक द्विबंध है और कहीं एकल बंध है तो किसको तोड़ पाएंगे वो, आंशिक द्विबंध वाले को कि आंशिक द्विबंध वाले को कि एकल बंध वाले को, एकल बंध वाले को। क्यों नहीं चल रहा, अच्छा।
आप बना दिए भाई। चलो AlCl3 यहाँ से कौन सा Cl ले जाएगा बताओ मुझे। दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर एक सिग्मा पाई इधर भी है, ये तो जानते भाई गोल गोल बना दिया ऐसे, और यहाँ भी है, लेकिन कहाँ से ले जाने के बाद ज़्यादा ये स्थाई बनेगा कार्बन, जो भी केटाइन बनेगा। अगर मैं Cl से ले जाता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं Cu वाला ले जाता हूँ तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर लोन पेयर है, क्या हो जाएगा, पी पाई हो जाएगा। तो ये Cl माइनस जाएगा यहाँ से, और हमेशा ही, बल्कि अगर CH2Cl भी होता ना तो भी यही Cl जाता, इधर कुछ भी होता, ये वाला Cl जाएगा तो क्या होगा बोलो, पी पाई हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O, क्या आपने ऐसा बनाया है क्या किसी ने, देखो मैं बताओ, ये जो आप पी पाई पी सा स्थाई हो जाएगा। खुशी बोलो, हितेश ऐसा बनाया है तुम लोगों ने कि नहीं, राहुल ठीक है, आप बताओ ये सी, अब दोनों में से कौन सा सी हिल जाए। बीच वाला सी हिल जाए या फिर सी एस टू वाला, बीच वाले से जानते हो सी ले जाओगे तो क्या होगा दुष्टू, क्या हो जाए, कौन बता, बोलो भाई कौन सा, क्यों नहीं बीच वाले सीएल से, खुशी बताओ, अगर बीच वाला सीएल ले जाऊंगा तो क्या दिक्कत होगी। अरे तुम लोग एक नंबर के हो गए हो दुष्टू, ये देखो अगर तुमने, हाँ अब आया समझ में बात, ये पाई को ऐसे थोड़ी, ये तो गोल गोल घूम रहा है ना। अब तुम देखो ये ले गए ना, अब जरा देखो बीच वाले पांच सदस्य वाले को देखो, yes, क्या बना, हाँ एंटी एरोमेटिक बन गया भाई, देख लो चक्रीय समतली संयुग्मित कितने पाई बंद है सम संख्या में, तो क्या एंटी एरोमेटिक बनाना चाहेंगे, तो फिर ये नहीं, आप ये तो ऐसे ही रहने देना, अब क्या ले जाना बोलो, ये वाला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्या लिखा था मैंने, AlCl3 लिखा था, हैलोजन वहां किसमें क्या दिया था मैंने, तो अब हो जाएगा ये AlCl4। अब बोलो किसी को डाउट है, हितेश बोलो डाउट है, अब बोलो इसमें बताओ तुम पहले, अब नहीं आप बताओ क्यों मैं बोल रहा हूं, नहीं एक मिनट सुनो, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अभी दिक्कत है, जिसने TR नहीं किया एरोमेटिक का, या जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाला लेक्चर छोड़ दिया, या उसे अगर आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं कह दूँ क्योंकि ये बनेगा, क्योंकि यहाँ एंटी बन जाएगा, यहाँ पे तो एंटी नहीं बनेगा, तो कहेगा क्या बोल रहा है एंटी एंटी एरोमेटिक ऐसा कि नहीं बोलो, हाँ इसलिए, अब बोलो इसमें कहाँ से रिमूव करोगे, तो एरोमेटिक केटायन बन जाएगा, ये वाला Cl रिमूव करोगे तो एरोमेटिकता उत्पन्न हो जाएगी, नहीं वो भी तीन पाई बंद वाली एरोमेटिकता, तो तीन पाई बंद वाली एरोमेटिकता उत्पन्न हो गई जी, ये देखिए क्या बात, क्या बात, हाँ क्या बात, देखो दो, हाँ तीन बार, क्योंकि देख लो यहाँ पे तीन पाई बंद वाला, देखो ऐसा बनाए क्या किसी ने, ये देखो ये बीच वाला, ये ऐसा देखो एरोमेटिक, सरिता बनाए ऐसा, विक्रम खुशी, और इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो छोटे बच्चों वाला है, ये तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और AlCl4 माइनस। अब आप देख लें ऐसा बनाया है कि नहीं, जल्दी से बोलिए, बनाए हैं तो ये जान जाओ, अब मैं मुझे तो ये मैं मिटा दूं जिससे कि वो वाले इधर बना दूंगा ऐसे करके, क्योंकि उधर जगह नहीं है, हाँ हितेश मिटा दिया जाए या नोट कर रहे हैं,
अच्छा बेटा, नोट कर लिया है ना, बता देना भाई, नोट कर लिया है कि नहीं? नोट करना है तो फिर क्यों बोल रहे हो मिटा दे? एक भी नहीं बनाया था क्या तुमने? हाँ तो सेम है तो कोई बात नहीं, हाईलाइट हैलो, मैं तो यही तो बोला, हैलोजन वाहक, हैलोजन मॉलिक्यूल, हैलोजन मॉलिक्यूल अथवा हैलोजन युक्त यौगिक से हैलाइड लेके जाते हैं, बस यही तो बोला। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे वो लिखा हुआ फिफ्थ वाले यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये Cl और SbCl5, SbCl5 क्या होगा, Cl माइनस ले जाएगा, और ये क्या, एक Cl ले जाएगा, और अब क्या बन जाएगा, Cl प्लस, जिसे कहते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन या हैलोनियम आयन बोलेंगे, और इसे लिख देंगे SbCl6 माइनस, बस ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा एकदम नहीं जरूरी है, वो तब होगा जब विखंडन के लिए किस तरह का होगा, मैं सेम बंध का क्या कर सकता हूँ, विषमांश भी करा सकता हूँ और समांश भी करा सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मैंने क्या कंडीशन प्रोवाइड करा है, मतलब हमने वह कंडीशन क्या प्रोवाइड किया है। तो आपका अलग ही एक टॉपिक है विखंडन तथा बंध विखंडन तथा रासायनिक मध्यवर्ती, एक अलग से टॉपिक है ना, बॉन्ड क्लीवेज एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि विखंडन के लिए क्या कंडीशन होता है, हेट्रोलाइटिक के लिए और होमोलाइटिक के लिए। ये नहीं कि आप समझो कि विद्युत दृढ़ता में अंतर नहीं हो तो ऐसा होगा, मैं क्या करूँगा उसी बंध को विषमांश भी करा दूँ, उसी का समांश भी करा दूँ, बस मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा। अब ये लुईस अम्ल है तो ये तो क्या करेगा, Cl प्लस तो ले नहीं जाएगा, ये क्या ले जाएगा बोलो, लोन पेयर ही ले जाएगा ना, मतलब Cl माइनस ले जाएगा। हाँ अब बोलो कौन सा है, ये वाला था, इसमें बोलो सरिता कौन सा Cl रिमूव किया जाए, खुशी सेतु वाला रिमूव करूं कि बिना सेतु वाला? हाँ, सेतु शीर्ष पे पाई बंध का निर्माण नहीं, सॉरी, सेतु शीर्ष पे धनावेश होगा तो सिस्टम भयानक टाइप का क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, तो SbCl4 माइनस ऐसा बन गया और ये प्लस बन गया बस। अब अगर मैं इसमें बोलूं तो ये हो गया आपका क्या, इधर तो क्या मिटाई दिया था, अब तो क्या करना, अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाओगे भाई बोलो, इसमें बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, बोलो भाई क्या बनेगा, ये Cl माइनस नाइट्रोजन के बगल वाला, और इसमें तो अब क्या बात है, क्या बात है भाई, हाँ चक दो पाई, चक दो फटे अटे फटे, चक देवेंगे मार की मुक्की दब लेवेंगे, ये देखो बोलो भाई, ये ऐसा बना है क्या सबने? तो देखो हैलोजन वाहक का काम सब लोगों को पता चल गया, हैलोजन वाहक आएंगे हैलाइड लेके जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, तो बड़ा आसान है। अब इसका लास्ट अनुप्रयोग, जिससे कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए और नए दिन से नए चैप्टर की शुरुआत हो, तो वो भी मैं बता देना चाहूँगा यहीं पे। बोलो भाई नोट कर लिया सबने? हितेश बोलो नोट कर लिया? पक्का बोलो भाई। तो अब बेटा नोट कर रहे हो? तब तक चलो मैं एक वो बात बताता हूँ, तुमने ये सुना होगा उनका है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, सुन रहे हो बच्चों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों,
छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे। लाखों बार कश्तियां डूबी, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पे, चहल पहल वही है तट पे। कुछ फूलों के मुरझाने से, कुछ फूलों के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करते हैं। कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। अभी मैं एक मुक्का मारता हूँ, दांत टूट जाते। तुम्हारे दांत कहाँ हैं अभी बताओ। हाँ हाँ, ये तो मैं तो बहुत सारा अभी लिखा हुआ, बहुत सारा लिखा हुआ। आप बच्चों, मैं यहाँ पे लास्ट अनुप्रयोग बता दूँ तो फिर सही रहेगा, बस ठीक है। ये कौन सा है बोलो भाई? तीन नंबर है ना बेटा, हितेश तीन नंबर। तो तीन नंबर में बेटा आप ऐसा लिखेगा, मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, ऐसा लिख दे। नहीं कुछ तुम ऐसा कुछ मत लिखो, तुम लिखो इतना, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन, बस इतना लिखो बस तुम, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन। ये बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है वो मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे एक और इसका भेजूंगा टीआर। बोलो भाई क्या लिखा आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन। हे बच्चों, हे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर दो मोल हाइड्रोजन और यहाँ पे ZNO और Cr2O3 ये हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक हैं, तो ये बन जाता है CH3OH। CH3OH इज मेथेनॉल, CH3OH मेथेनॉल है। इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं इसका नाम है, या फिर मेथेनॉल तो जानते ही हो आप, मेथेनॉल, ठीक है जी। अब ये जो बनेगा बेटा, इसको या तो ऐसे लिखा रहेगा और या एक तरह से और लिखा रहेगा, फिर मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आता है। और मैं तो समझाऊंगा फिर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा। बोर्ड में तो सिर्फ ये रहता है कि भाई औद्योगिक विधि का इक्वेशन लिखो, तो CO2H2ZNO Cr2O3 ये बन जाता है। कैसे बनेगा वो बता दूंगा, कैसे बनेगा वो बोर्ड में नहीं लिखा जाता। अब इसको तुम वाटर गैस सुना है क्या, वाटर गैस CO प्लस H2 को क्या कहते हैं बोलो, वाटर गैस, सिन गैस, सिन गैस, हाँ हाँ। और उसी में तुमने वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी पढ़ा होगा, और इसमें हाइड्रोजन और फिर इसी में फिर अब क्या बोलो, ZNO, और ये ZNO Cr2O3 तो उत्प्रेरक हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है सकरण ऊर्जा का मान घटाना, जिससे अभिक्रिया आसानी से हो जाए, तो भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्या होगा, CH3OH बनेगा। ये दोनों लिख देते, दोनों में से मतलब ये लिखा हो, ये लिखा हो, एक ही बात है, लिखो ऐसा, ये लिखिए, फिर मैं बस आपको बता दूं कैसे बनता है रिएक्शन, जल्दी से लिख दीजिए। हाँ राहुल सर, ऐसे देखो, ये तो मैंने जो बताया ये तो हम मैं हिंदी किताब में जब पढ़ते थे ना 11वीं 12वीं में, उसका याद है। और कुछ क्या करते, कुछ मैं क्या करता हूँ, मतलब कुछ अपने जैसे क्या होता है, जब तुम बहुत दुखी होते हो या तुम्हें बहुत वो होते नहीं, कई कई बार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, कई बार ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है उस समय, ये नहीं कि दूसरों से बात करके कुछ अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, उस समय तुम बैठो और लिखो। और लिखना कब आएगा, जब तुम बुक्स पढ़ते हो, जब खाली टाइम में कोई तुम्हें समय मिला तो
बुक्स पढ़ लिया हिंदी का, या फिर गुलजार पढ़ लिया, या फिर किस जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तो मैं कह नहीं सकता ना कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है पढ़ने का। तो वो उसके बाद जब ऐसा होता तो ऐसा तो मैं क्या करता हूँ, डायरी में एक पूरा लिखता हूँ। ये तो अभी तुम्हें कविता सुनाया, वो 12वीं में जो पढ़ा था, 11वीं में नाम, और जो बाकी है वो तुम्हें अपना लिखा हुआ सुनाऊंगा मैं, मतलब तुम लोगों के ऊपर, मतलब मेरा अपना लिखा हुआ, मतलब तुम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हाँ ठीक है, बस सुनाओगे सर सैटरडे को सुनाऊंगा, सैटरडे को, कल एक दूसरा सुनाऊंगा। अब बच्चों ये नोट कर लिया तो मैं बता दूं तुम्हें, चलो अब इसमें इतना नोट करके यहाँ पे लिख देना ना, एक लाइन लिख देना बेटा, यह मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है, यह मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है, यह मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है, यह मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। तो मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है ये, भाई देख लीजिए। अब बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये रहा आपका हाइड्रोजन, तो आपने आयन प्रेरित द्विध्रुव सुना है क्या? देखो आपको कहीं भी ये लिख के बताना नहीं होगा, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद होना चाहिए, वो तो मैं दो चार बार पूछूंगा याद हो जाएगा। औद्योगिक विधि लिख दिया भाई सबने, खुशी। ठीक है, आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो आपने सुना होगा आयन प्रेरित द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव सुना है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कैसे, देखो मेरी बात सुनो, एक चुंबक में नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, जब उस चुंबक को मैं किसी ब्लेड के बगल में रखूंगा तो वो ब्लेड में भी चुंबकीय गुण हो जाएगा, इसका मतलब जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल प्रेरित कर रहा है, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पे, या नॉर्थ जो है वो साउथ पोल प्रेरित कर रहा है, उल्टा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मैं Cl2 के पास कोई माइनस लेके आया, तो माइनस अगर लेके आया तो वो माइनस वाला एंड क्या प्रेरित करेगा, माइनस क्या प्रेरित करेगा, माइनस क्या चाहेगा, बोलो प्लस चाहेगा, तो वो माइनस उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लस माइनस उत्पन्न कर देगा, इसे कहते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव। और जब किसी द्विध्रुव को मैं लेके आऊंगा, किसको लेके आऊंगा, द्विध्रुव को, जब किसी द्विध्रुव को लेके आऊंगा तो वो द्विध्रुव प्रेरित कर देगा, मतलब द्विध्रुव है और द्विध्रुव बना देगा, बोलो। नहीं जान सुना ही नहीं क्या तुमने? तो तुमने ऐसा कैसे सुना होगा, फिर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्रियान्वयन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्रियान्वयन, ऐसा सुनाओ। अब ये नाभिक्स नहीं है राहुल, तो ये किस पोर्शन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाले, और यहां से क्या ग्रहण कर लेगा, सी माइनस, यहां से एच प्लस ग्रहण कर लेगा। अब हाइड्रोजन तो चार इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है, तो हाइड्रोजन मतलब चार इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सी माइनस है तो क्या ग्रहण करेगा, तुम बताओ खुद। तो एच प्लस अगर है तो फिर ये एच प्लस आप ये एक्सेप्ट कर लेगा सी माइनस, और ये बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, इसे बोलते हैं फार्मोइलियम आयन, क्या बोलते हैं बोलो, फार्मोइलियम आयन, बोलो फार्मोइलियम आयन, बोलो हाँ फार्मोइलियम आयन बन गया। अब मैंने तुम्हें बताया था, अब ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हितेश बोलो बोलो जल्दी से बोलो, मैं बोलो किसकी तरह, एच माइनस की तरह, चलो ठीक है, ये नाभिक्स नहीं है। और सुनो अब एल्काइल आइसोसाइनाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन अभिक्रिया के पहले पद में नाभिक्स नहीं तथा सेम कार्बन अभिक्रिया के दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं, ये बोला हुआ है, बताया हुआ था कल। तो अब मैं अटैक करने जा रहा हूं, अटैक, कार्बन पे कितने बंद हो गए हितेश, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर पाई कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे।
यदि पाई बंध से परमाणु के मध्य साधित हो जिनकी विद्युत ऊर्जा में अंतर हो तो पाई का स्थानांतरण सदैव अधिक विद्युत ऊर्जा की तरफ होगा। तो ये मैंने बता दिया था आपको एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया जी। क्या बना भाई सारे बोलो, सुना हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड की नहीं सुना हुआ है? और फिर अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन अपचयन करता है कि ऑक्सीकरण करता है? तो बस अब क्या हाइड्रोजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन पे एक कार्बन पे, तो क्या बनेगा बताओ मुझे? सी एस थ्री और ओ एच, वापस वही प्रेरित होगा। देखो ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो हाइड्रोजन को भी ये प्रेरित कर देगा कि नहीं? कैसे प्रेरित करेगा? प्लस और माइनस, बोलो एच प्लस वाला कहाँ जोड़ दोगे? ओ माइनस पे। एच माइनस कहाँ जोड़ दोगे? सी प्लस पे। तो देखो यही बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? बस ये एक और है, मुश्किल से 3 मिनट का है, बस 4 मिनट का, तो मैं चाहता हूँ कि वो बता दूँ, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा बस का। नोट कर लिया सबने? लिख लो। ये कोई इस भ्रम में या कोई भी इस टेंशन में नहीं रहेगा कि ये कैसे लिखेंगे हम, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा ये लिखने के लिए। तो कहोगे फिर बताया क्यों? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लूंगा वो क्यों पूछा। मैं कहूँगा औद्योगिक विधि से जब मेथेनॉल बनाते हैं वाटर गैस से, तो उसमें मध्यवर्ती क्या क्या बनता है? तो फार्मोइलियम भी बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है, फार्मोइलियम आयन भी बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। बोलो पाद जी। हाँ ठीक है जी। आप बच्चों लास्ट आप लिखिए सर, लिखिए बेटा। बोलो ये 4 नंबर होगा शायद, एप्लीकेशन 4। ये लिखिएगा बेटा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, हिंदी बोलूं नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रीकारक मिश्रण। ये क्या होते हैं? तो HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को, H2SO4 का जो मिश्रण होता है इसे हम क्या कहते हैं बोलो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड क्या बोलो? H2SO4। नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रीकारक मिश्रण, जहां कहीं भी NO2+, जैसे मैं कहूंगा क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब कहीं Cl लगाने वाला, हाइड्रोक्सीलेटिंग एजेंट मतलब OH कहीं लगाने वाला, मैं कहूंगा कि अमोनिएटिंग एजेंट मतलब अमोनिया NH2 ग्रुप जोड़ने वाला, एल्काइलेटिंग एजेंट R लगाने वाला, मिथाइलेटिंग एजेंट मिथाइल ग्रुप लगाने वाला, फलानेटिंग एजेंट फलाना लगाने वाला, धमाकेटिंग एजेंट धमाका लगाने वाला, सम क्या? तो मैं कह रहा हूँ नाइट्रेटिंग एजेंट मतलब ये होता है नाइट्रीकारक मिश्रण की कहीं NO2 जोड़ना है अगर, जैसे बेंजीन है और बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो तुम ये यूज करोगे। बोलो भाई समझ रहे बात की हमारी? तो अब इसमें क्या होता है सुनिएगा जरा, HNO3 और H2SO4 में कौन एसिड कौन बेस है ऐसा पूछा जाता है। तो कोई बोलेगा कि क्या एसिड, दोनों एसिड हैं, लेकिन बच्चों हाँ दोनों एसिड हैं, लेकिन बच्चों जानते हो जब ऑक्जो एसिड होते हैं, ऑक्जो अम्ल मतलब हितेश जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो और ओ एच हो, केंद्रीय परमाणु से डबल बॉन्ड ओ और ओ एच जुड़ा हो, तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं बोलो? ऑक्जो एसिड कहते हैं। और ऑक्जो एसिड की अम्लीयता ऑक्जो समूहों की संख्या पे निर्भर करती है, जितने ज़्यादा ऑक्जो ग्रुप होंगे ना उस उतना ज़्यादा अम्लीयता होगी। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल देखूँ तो इसमें ऑक्जो ग्रुप कितने हैं राहुल? 2 हैं। हाँ तो इसके सापेक्ष में ये ज़्यादा अम्ली हुआ तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और ये जो नाइट्रिक अम्ल है
है तो अम्ल, लेकिन जब ये H2SO4 के साथ उपस्थित रहेगा, अब भाई मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर कोई है, जैसे मान लो गहलोत है, तो यहाँ के लिए एकदम सही या कुछ भी है, आज सामने दिख रहा लग रहा कि सबसे बड़ा, और लेकिन वही जब मोदी के बगल में वो बैठ जाए तो लगेगा तो बहुत छोटा है, नहीं समझे मैं क्या, ये तो परिपेक्ष में है ना, रिलेटिव है। अब मान लो कोई अब DM है, सुनो DM है और DM बगल में बैठा मुख्यमंत्री के, तो वो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन DM है वो बगल में BDO के ग्राम सेवक के बगल में बैठा है तो DM बहुत बड़ा लगेगा, नहीं समझे क्या कह रहा हूँ, सापेक्षिक है, दोनों अम्ल हैं लेकिन इसकी अम्लीयता कम है, तो सापेक्षिक रूप से ये लुईस चार होगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 ऑक्सीकारक है, अपचायक है, अम्ल है कि क्षार है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, और ये क्षार अब क्या करेगा, यहां से H+ ग्रहण कर लेगा और ये बन जाएगा H2O+ और NO2। OH पे H+ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H2O+ ही बनेगा ना, हाँ। और अब तुम बोलना ये H2O+ ऑक्सीजन प्लस में रहना चाहता होगा कि उदासीन होना चाहता होगा, तो उदासीन होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाए कि छोड़ के जाए, इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो ये बन जाएगा NO2+ और अब बन जाएगा ये नाइट्रोनियम आयन, क्या हो गया बोलो, नाइट्रोनियम आयन। तो मैं कहूंगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर की क्या भूमिका है, तो कहना NO2+ उत्पन्न करना, नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, बस यस सर नहीं करना, नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करना। अब मैं कहूंगा नाइट्रेटिंग मिश्रण में HNO3 ऑक्सीकारक है कि अपचायक है, कि उत्प्रेरक है, कि क्षार है, तो क्या बताओगे, हाँ क्षार की तरफ, बस ये दो बातें लिखवाता हूँ, बस ये फटाक से नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से, इस प्रकार से अभिकर्मक समाप्त हुआ, अभिकर्मक समाप्त हुआ। अब ये दो जो भेजे हैं वो दुष्टों कर लेना, ये छोटे छोटे हैं एकदम क्वेश्चन, फिर मैं अनुप्रयोग वाला भेज दूंगा एक कल। अरे गुड बाय कैसा, अभी रुको हूं वो लिखवाऊं तो, दुष्टू मुकम मारूंगा मैं, ओ बोलूं कि तुम लोग समझ गए, तो मैं बोलूं तो अपने मन से तुम लिख, नहीं तो चलो अपने मन से लिख देना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 क्षार है और इसका कार्य क्या है, बोलो NO2+ का निर्माण करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय बेटा, सबने नोट कर लिया है ना, बोलो नोट कर लिए सबने।